नमस्कार। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्म संसद हुई। वहां पर कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी को कुछ अशब्द कहे और अभी चारों तरफ कालीचरण महाराज की ही चर्चा है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और वो अभी गिरफ्तार भी हुए। तो अपन जानेंगे कि आखिर यह धर्म संसद क्या होती है, कैसे होती है धर्म संसद, और ये कालीचरण महाराज कौन हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को अपशब्द कहे। देखिए क्या होती है धर्म संसद। जैसे अपनी देश की संसद होती है, वहां पर पॉलिटिशियन बैठते हैं और देश के लिए निर्णय करते हैं, वैसे ही एक धर्म संसद भी होती है जिसमें किसी धर्म के बड़े साधु संत बैठते हैं और वहाँ पर तरह तरह के निर्णय लेते हैं अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने धर्म के प्रति प्रचार करने के लिए। वहाँ पर सभी बड़े साधु संत बैठते हैं और तरह तरह के विचार वहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। उस सब के जो माहौल बनता है उस माहौल को धर्म संसद कहा जाता है। और यही धर्म संसद हाल ही में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में हुई और वहीं पर सारा वाद विवाद हुआ। तो आखिर ये कालीचरण महाराज कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी को गाली दी, उनके बारे में भी अपन जानते हैं। आइए, कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत सारंग है। कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत सारंग है और ये महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं। ये महाराष्ट्र के अकोला जिले के रहने वाले हैं। ये आठवीं तक पढ़े हैं। इनके पिता मेडिकल शॉप चलाते हैं। इनकी शिक्षा ज्यादा नहीं हुई है और इनके पढ़ने में रुचि कम होती थी। ये शुरू से ही बचपन से ही इनका जीवन अध्यात्म में लगा रहा और ये बहुत ही कम तक पढ़े हैं, कहते हैं आठवीं तक ही पढ़े हैं और उसके बाद ये अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। ये महाराष्ट्र से इंदौर आए। जब ये पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी तब इनको महाराष्ट्र से ये इंदौर आए और यहाँ भैयूजी महाराज के यहाँ आश्रम में दीक्षा ली, तभी ही इनका नाम कालीचरण महाराज पड़ा। इंदौर में ही इनका नाम कालीचरण महाराज पड़ा, इससे पहले ये अभिजीत सराग के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने नगर निगम चुनाव में भी किस्मत आजमाई, इन्होंने महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भी किस्मत आजमाई लेकिन जीते नहीं, वापस भी हार गए। ये अधिकतर विवादों में रहते हैं। अभी कोरोना वायरस को लेकर भी अजीबोगरीब बयान दिया था। ये अक्सर कालीचरण महाराज है ना, अक्सर विवादों में रहते हैं। अभी हाल ही में पिछले साल कोरोना वायरस को लेकर भी इन्होंने अजीबोगरीब बयान दिया। ये पिछले साल सुर्खियों में आए थे जब इनका एक वीडियो वायरल हुआ था शिव तांडव स्त्रोत्र का पाठ करते हुए। अब पिछले साल जब इनका एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, मिलियंस उस वीडियो पर व्यूज आए थे, जब ये शिव तांडव स्त्रोत कर रहे थे तो इनको ये काफ़ी उस वक्त चर्चा में आए थे। ये कहते हैं ये अपने आप को देवी काली के उपासक मानते हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने आप को देवी काली का उपासक हूँ और ये भी कहते हैं कि माँ काली ने इनको दर्शन दिए हैं। ये भी ये कहते हैं कि माँ काली ने इनको दर्शन दिए हैं। तो ये कालीचरण महाराज ये हैं। इन्होंने हाल ही में अभी और ये चर्चा में आए हैं और चारों तरफ इन्हीं की चर्चा है। अभी हाल ही में ये गिरफ्तार भी हुए हैं।